नमस्कार बंधु, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फसल में जो यूज किया जाता है मुख्य तत्व उसका अंदर फास्फोरस के बारे में। फसल में फास्फोरस कम रहेगा तो क्या होगा, फसल में फास्फोरस ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, और फसल का कमी में क्या क्या लक्षण दिखाया जाता है और उसको कैसे हम लोग सुधार सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। फास्फोरस फसल को सुदृढ़ रखते हैं, पौधा को बढ़ने में मदद करते हैं, जड़ को बढ़ने में मदद करते हैं और फास्फोरस फसल को सतेज रखने में बहुत मदद करते हैं। फास्फोरस का मदद में फसल जल्दी पकते हैं और फसल को बढ़ाने में मदद करते हैं और वजन बढ़ाने में मदद करते हैं। पौधा का प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं और बीज को पुष्ट बनाने में मदद करते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे फास्फोरस का कमी में क्या क्या होता है उसका बारे में। फास्फोरस का कमी में क्या लक्षण दिखाया जाता है वो एक बार देखना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी में फास्फोरस का कमी है तो पत्ता भूरे कलर या बैंगनी कलर का हो जाता है। ये देखिए, ये मक्का का पौधा में पत्ता बैंगनी कलर का हो गया है। बैंगनी कलर दूसरा कारण में भी हो सकता है, लेकिन फास्फोरस का कमी है तो सबसे नीचे वाला जो पत्ता है उसी से शुरू होता है, धीरे धीरे ऊपर का तरफ जाता है और बैंगनी होके आता है। दूसरा, सब्जी का फसल में भी देखेंगे तो पत्ता इसी टाइप का बैंगनी कलर का हो जाता है, साइड साइड का तरफ से धीरे धीरे अंदर का तरफ जाता है। कैबेज में भी देखेंगे या कॉलीफ्लावर में भी देखेंगे तो इस टाइप का बैंगनी कलर हो जाता है। टोमेटो का पौधा में देखेंगे तो इसी टाइप का, देखिए साइड साइड में बैंगनी कलर का हो जाता है। इसका असर फल में भी देखते हैं, फल इसी टाइप का हो जाता है, नीचे का तरफ भूरे कलर हो जाता है, धीरे धीरे सड़ जाते हैं। और किसी सब्जी में अंदर को काट के देखेंगे तो इसी टाइप का देखने के लिए मिलता है। किसी फल में भी देखेंगे तो फल में भी इस टाइप का बैंगनी कलर का दिखाए जाते हैं। तो आप और देखेंगे जड़ में, जड़ थोड़ा सूख जाते हैं और ठीक ठाक नहीं दिखते हैं। फास्फोरस का कमी में ये सब लक्षण दिखाया जाता है। ये सब लक्षण दिखाया गया है तो मतलब आपका जमीन का मिट्टी में फास्फोरस का कमी है। ज़्यादा मात्रा में फास्फोरस प्रयोग होता है तो उस समय भी खराब होता है, पौधा जल जाता है, पत्ता जल जाता है या तना भी जल जाता है। जल जाने का वजह से प्रोडक्शन कम हो जाता है और प्रोडक्शन होता भी नहीं, इस टाइप का भी देखा जाता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे फास्फोरस का सोर्स कहाँ से है, मतलब फास्फोरस कहाँ से उपलब्ध हो सकता है। जैसे कि मार्केट में DAP नाम पे एक खाद मिलता है जिसको डाई एमोनिया फॉस्फेट बोलते हैं, इससे भी फास्फोरस मिलता है। DAP खाद से 46% फास्फोरस मिलता है और 18% नाइट्रोजन मिलता है। कुछ मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स जैसे जहाँ पे NPK सब कुछ रहते हैं वहाँ से भी फास्फोरस मिल सकते हैं, तो उसमें परसेंटेज लिखा हुआ रहता है कितना परसेंटेज में फास्फोरस मिलता है। DAP में कितना मात्रा में यूज करेंगे इस परसेंटेज को देख के ही हम लोगों को फाइनल करना पड़ेगा। इसके बाद सिंगल सुपर फॉस्फेट जो SSP नाम पे जाना जाता है वहाँ से भी हम लोगों को फास्फोरस मिल सकते हैं। इसमें फॉस्फेट 16% रहते हैं और इसमें कुछ कैल्शियम भी रहते हैं, तो इसलिए सिंगल सुपर फॉस्फेट हम लोगों को यूज करना खेत के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। ये भी सही मात्रा पे यूज करना बहुत ज़रूरी है। कुछ कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र जो मार्केट में आए हैं जहाँ पे सिर्फ सिंगल सुपर फॉस्फेट, मतलब वो जो फॉस्फोरसी रहते हैं, और कुछ मिक्स फर्टिलाइज़र है जहाँ पे भी इसका मिलता है, जहाँ पे चारों खाद हम लोगों को मिल जाता है, मुख्य तत्व का अंदर जो चारों चीज़ है वो मिल जाता है तो उसका अंदर भी मिलता है। लेकिन फाइनल करना होगा आपका कितना मात्रा में ज़मीन का ज़रूरत है उसका बेसिस पे। आपको सॉयल हेल्थ कार्ड एक मिलेगा जहाँ से कितना मात्रा में फॉस्फोरस यूज करना चाहिए वो लिखा रहता है, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। वो इसके लिए आपको फाइनल करना होगा DAP यूज करेंगे या सिंगल सुपर फॉस्फेट यूज करेंगे, तब जाके हम लोगों को अच्छा फसल मिलने का उम्मीद रहेगा। आपको इस वीडियो अच्छा लगा है, कुछ जानकारी मिला है तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए।